हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, इस देश में महात्मा गांधी जैसे महान इंसान की हत्या हुई, उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे जो उनकी हत्या पर खुशियां मना रहे थे, आज वो सत्ता में है। क्या उन सभी लोगों को जेल में डाल देना चाहिए? नहीं ना, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। इस बयान के बाद हर तरफ स्वरा को ट्रोल किया गया है। आइए जानते हैं स्वरा भास्कर के और भी कमेंट्स जिसकी वजह से स्वरा को ट्रोल होना पड़ा था। इंडियन आर्मी को लेकर दिया गया बयान। स्वरा भास्कर ने ट्विटर पर अपनी एक ट्वीट से देश में फैले भ्रष्टाचार, मॉब लिंचिंग, जातिवाद और समुदायवाद मुद्दों को उठाया। स्वरा के इन ट्वीट में मेजर लीतुल गोगोई का भी जिक्र था। मेजर लीतुल गोगोई का इस तरह से नाम लेना यूजर्स को पसंद नहीं आया और लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश की जाहिर। स्वरा ने प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया था। दरअसल कुछ दिनों पहले ट्विटर पर हैशटैग स्वरा मस्ट रिजाइन हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। इस हैशटैग में लोग स्वरा को सरकार के वादे और इरादों के लिए जिम्मेदार मान रहे थे। वजह थी कि हर मामले में बेबाकी से राय रखने वाली स्वरा ने मुजफ्फरपुर केस पर कुछ भी नहीं कहा था। वीरेदी वेडिंग सीन। वीरेदी वेडिंग में स्वरा भास्कर के सीन को लेकर स्वरा को खूब ट्रोल किया गया था, जिसके बाद स्वरा ने ट्रोलिंग का करारा जवाब देते हुए लिखा था, ऐसा लगता है कि आईटी सेल ने टिकटें स्पॉन्सर कर दी हैं, या फिर ट्वीट्स को तो पक्का। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।